चलिए हमको भी प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर ई वाला, सेकंड वाला, क्या लिखा है आयुष, पढ़ो डिटरमाइन द डिस्चार्ज थ्रू अ मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल विच हैज द बेस विथ ऑफ 4 मीटर। बार। द बेड स्लोप इज 1 मीटर इन 1000 एंड चेजी कॉन्स्टेंट इज 45। बेड का स्लोप कितना है? 1 in 1000 का है, एंड चेजीज कॉन्स्टेंट कितना है? 45 का। सी मोस्ट इकोनॉमिकल, जहां जहां वर्ड आ गया तो वहां पे तुमको कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। क्या थी? फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल, ये लिखो मैंने इको, रेक्टेंगल सेक्शन। सबसे पहली कंडीशन याद रखना, पहली कंडीशन है बी बराबर 2y। सबसे पहली कंडीशन क्या है? बी इक्वल टू 2y। आपको बी मालूम है बेटा, 4 मीटर, तो 4 इक्वल टू 2y। यहां से y निकाल लो, 4 बाय 2 कितना हो जाएगा? 2 मीटर। अभी ये डिस्चार्ज निकालना, डिस्चार्ज निकालना बहुत सिंपल है। b दिया है 4 मीटर, तो y निकल देगा 2 मीटर। सेकेंड क्या था कंडीशन? r इक्वल टू y बाय 2। ये पहली कंडीशन क्या थी? b बराबर 2y, सबसे पहली कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन है हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू y बाय 2। y कितना बेटा? 2 बाय 2, ये देगा 1 मीटर। अब बोलो कौशिक, डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या था? डिस्चार्ज क्या था? एरिया एरिया इनटू इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी। इनटू वेलोसिटी। हाँ, एरिया है b इंटू वाई, और वेलोसिटी का फॉर्मूला एज एज पर चेजीज फॉर्मूला, ठीक है ना? क्या था? सी अंडर रूट आर एस। बी है 4, वाई है 2, सी कितना बेटा? 45 अंडर रूट, आर कितना है? 1, एस है 1 in 1000। इसको सॉल्व करो, आपका क्यू निकल जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा। ग्यारह हजार 384। इतना कैसा आएगा बेटा? ये 1/1000 है बेटा, 1000 नहीं, अंदर में 1.38 डबल वन बराबर। पॉइंट करेक्ट है। हाँ सर, चलो नोट कर लो उसको फटाफट। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ, हम लोगों ने इसमें से एक मतलब सर ई कर लिया है। हाँ हाँ ये कर लिया अपना। चलो 5 का D करेंगे, 5 का D। इसका आप डेटा कॉपी कर लो बेटा पहले। अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा, क्या लिखा है इसमें? कंप्यूट द डिस्चार्ज, कंप्यूट द डिस्चार्ज मतलब क्यों निकालना है, थ्रू ट्रेपेजॉइडल चैनल। तो यहां लिख रहा हूं मैं ट्रेपेजॉइडल चैनल, है ना? बेस फिट कितना बेटा? 5 मीटर है। साइड स्लोप कितना है? लिखा है 2 वर्टिकल इज टू 3 हॉरिजॉन्टल। बेटा यहां पे वर्टिकल को हमेशा 1 रखना है, 1। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 को 2 से डिवाइड करेंगे वर्टिकल। यहां पे 3 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 बाय 2 बनेगा 1 वर्टिकल। 3 बाय 2 क्या होता है? 1.5 हॉरिजॉन्टल। अब बोलो जो हॉरिजॉन्टल रहेगा वो क्या रहेगा अपना, क्या बोलते उसको? हाँ बताना क्या बोले? हाँ फिर से बता। देखो फिर से बता रहा हूं,
क्वेश्चन में जो साइड स्लोप दिया है वो दिया है टू हॉरिजॉन्टल इस टू थ्री सॉरी टू वर्टिकल इस टू थ्री हॉरिजॉन्टल दिया, तो वर्टिकल को हमेशा वन रखना है, तो वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू को टू से डिवाइड करेंगे, तो अगर टू से डिवाइड किया तो यहाँ पे थ्री को भी टू से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बनेगा वन वर्टिकल इस टू 1.5 हॉरिजॉन्टल, एम कितना देगा 1.5। कैरिंग वाटर टू अ डेप्थ कितना है, पानी का डेप्थ कितना है 4 मीटर का है, बेड स्लोप कितना है 1 in 950। करोना तुम कुछ बोलो मत, तुम्हारा आगे सिर्फ कट कर रहा है। चेसिस कॉन्स्टेंट कितना है 60। चलो ये डेटा कॉपी कर लो बेटा फॉरवर्ड। मेरी आवाज क्लियर है सबको? जी सर, हाँ सर। स्टार्ट करें। हाँ करो सर। चलो बेटा यहां पर कहीं पर भी मोस्ट इकोनॉमिकल वर्ड लिखा था क्या? नहीं सर, नहीं लिखा था, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है। वर्ड याद रखना मोस्ट इकोनॉमिकल, या फिर बोलेंगे बेस्ट सेक्शन, ऐसे बोलता है बेस्ट सेक्शन बोलता हूँ, तो उन सब का मतलब मोस्ट इकोनॉमिकली होता है। ये सब कुछ नहीं बोला उसने, मतलब ये सादा क्वेश्चन है। अब ध्यान देना, सिंपल क्वेश्चंस में प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। इसमें पहले वेटेड एरिया निकालना पड़ेगा, वेटेड एरिया। अब तुमको मालूम है ट्रेपेजियम की एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था? BY प्लस MY का स्क्वायर। यहाँ पे B तुमको 5 दिया है, Y तुमको 4 दिया है, तो 5 × 4 M कितना है 1.5 × 4 का स्क्वायर। इसका आंसर बताओ। फोर्टी फोर फोर्टी फोर अब निकालो वेटेड पेरीमीटर। अभी कल की क्लास में हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया था। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है बी प्लस टू वाई अंडर रूट 1 + m². ये ट्रेपेजियम की एरिया सॉरी ट्रेपेजियम की पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है। बी है 5, वाई है 4, 1 + 1.5 का स्क्वायर। यहां से पी निकाल लो। नाइनटीन पॉइंट फोर टू यह था 19.42 मीटर। अब यहां से आप आर निकाल लो, हाइड्रोलिक रेडियस, वो होता है a/p। हाँ देखो अभी हाइड्रोलिक रेडियस आपको 2 मार्क के लिए डिफाइन करने के लिए पूछता है, तो मैं आपको डिफाइन भी करा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? अपना दूसरा स्टेप है हाइड्रोलिक रेडियस, ये आपको 2 मार्क के लिए पूछेगा कि डिफाइन हाइड्रोलिक रेडियस, आर बोलते हैं इसको, तो लिख लो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेटेड एरिया टू क्या था, वेटेड पेरीमीटर, वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, इन दोनों का रेशियो बोलते हैं हाइड्रोलिक रेडियस आर। बोलो आर बराबर a/p हो जाएगा, ए है 44/19.42। आंसर नाइनटीन कितना पॉइंट यार? आर प्रणव टू सिक्स का आप मत बोलो, आपका आवाज बहुत कट रहा है, नेटवर्क नहीं आपके इसमें। डिस्चार्ज है एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया कितना बेटा? एरिया मिल गया 44, ठीक है 44 इनटू वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ।
चेसिस दिया ना, चेसिस 60 दिया, चेसिस तो वेलोसिटी का फॉर्मूला था सी अंडर रूट आर एस 44, सी कितना 60 है ना, अंडर रूट आर कितना है 2.26, और बेड स्लोप कितना है बेटा, वन इन 950, मतलब 1/950। सॉल्व करो, डिस्चार्ज निकाल लो। 128.764 मीटर क्यूब पर सेकेंड, समझ गए सबको, हाँ सर। ये आप कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स का, पढ़ो रौनक क्या लिखा है। डिटरमाइन द बॉटम विड्थ एंड डेप्थ ऑफ फ्लो। बी निकालना है और वाई निकालना है फॉर और मोस्ट मोस्ट इक्वल। इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ ट्रेपेजॉइडल चैनल। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल, बोला ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ठीक है। टू कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ 91 मीटर क्यूब पर मिनट। 91 मीटर क्यूब पर मिनट बोला है, इसको पर सेकंड में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। बताओ वन पॉइंट, फाइव वन सिक्स, ठीक है। डिस्चार्ज मिल गया, बेड स्लोप कितना, 1 in 900। वन अपॉन 900। इट्स साइड्स आर 45 डिग्री। जो साइड स्लोप है 45 डिग्री का है, कल बता था अगर साइड स्लोप 45 डिग्री है तो एम कितना हो जाएगा, एक होगा। वन। चेसिस कांस्टेंट सी है 60 का। चलो डेटा कॉपी कर लो। चलो पढ़ो, डन सर। बताओ। फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, क्या थी कंडीशन, टी बराबर 2i, टी क्या होता है, बी प्लस 2my इक्वल टू 2y अंडर रूट 1 + m² ये कंडीशन में कल स्टडी था, बी प्लस 2 एम कितना 1 है इंटू वाई, 2y अंडर रूट 1 + 1² बी प्लस 2y, राइट साइड निकालो। टू जाता 2.82y, तो बी कितना देगा 2.82y माइनस 2y, हाउ मच 0.82 आ जाएगा। मोस्ट इकोनॉमिकल बोल दिया मतलब ये कंडीशन लगनी है ट्रेपेजियम में, याद रखना। अब बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या था ट्रेपेजियम के लिए, एनीवन, वी वाई प्लस स्क्वायर एम वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर। एमसे बी कितना बेटा 0.82y इंटू वाई है और एम है 1 इंटू वाई का स्क्वायर, तो ए कितना रहा बेटा 0.82 + 1, वाई स्क्वायर कॉमन है 1.82 वाई का स्क्वायर। सेकेंड कंडीशन क्या थी बेटा मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजियम की, बताओ। आर क्या था, व्हाट वाज आर, y/2।
वाई बाय टू। ठीक है, अभी डिस्चार्ज का फॉर्म अप्लाई करो, एरिया इनटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज कितना है? 1.516। एरिया कितना है? 1.82 वाई का स्क्वायर। वी का फॉर्मूला सी अंडर रूट आर एस ना। बेटा 60। 60। आर कितना है? वाई का आधा। एस कितना है? 1 in 900। इसको सॉल्व करो, वाई निकाल लो। बताओ आया क्या आंसर? जीरो पॉइंट एट जीरो बराबर है सर। 0.8 0.? एट पक्का? हाँ लॉक सर, किया मैंने जाए। ठीक है। बराबर है सर। ठीक है, बी बराबर क्या था? 0.82 वाई। वाई कितना? 0.8। यहाँ से बी निकाल लो। जीरो पॉइंट सिक्स फाइव कितना मीटर? ठीक है, यहाँ पे क्लियर यस सर। हो गया ना, दोनों आ गए। है? चलो।